कुरवाई विधानसभा की ग्राम पंचायत दाऊद बासोदा के अंतर्गत आने वाले आदिवासी टपरा एवं सत्ताखेड़ी जाजौन पंचायत के अंतर्गत आने वाला मालू टपरा खोगड़ा के लोग पी रहे हैं गंदा पानी। महिलाएं जब तालाब एवं कुआं से पानी भरकर लाती हैं तभी पकता है उनके घर का भोजन। गांव में बना वंदा बांध में पल रही है मछली कई सालों से रुका पानी पीने को मजबूर है गाँव के ग्रामीण। ग्रामीणों ने कहा सरपंच को लेकर सचिव और कई जनप्रतिनिधियों से हैंडपंप और ट्यूबवेल की लगाई थी गुहार, नहीं हुई कोई सुनवाई। इस वंदा बांध में पल रही मछली, धुल रहे हैं कपड़े, हो रहा है नहाना और वहीं पानी पी रहे हैं ग्रामीण। गंदा पानी पीने से खांसी, सर्दी, जुकाम, उल्टी दस्त और हाथों में खुजली के दिख रहे हैं लक्षण। एक तरफ तो शासन द्वारा नल जल और घर घर जल योजना सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है ताकि सुख कंज को पानी मिल सके, और वहीं दूसरी ओर जिले के 80 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दाऊद बासोदा के आदिवासी टपरा एवं सत्ताखेड़ी जाजौन के मालू टपरा खोगरा गांव के आदिवासियों की एक बस्ती गंदा पानी पीने को मजबूर है, जो पिछले 4 साल से एक तालाब का रुका हुआ पानी पी रहे हैं। इतना ही नहीं, उस तालाब के पानी में मछली पालन हो रहा है। इस तालाब के पानी से ग्रामीण नहाना, कपड़े धोने में उपयोग करते हैं, लेकिन मजबूरी में इन्हें वही गंदा पानी पीना पड़ रहा है और इस पानी से उन्हें सर्दी, जुखाम, खांसी, लाल छिकते और खुजली जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण जल संकट से परेशान हैं और उन्होंने विधायक से लेकर सरपंच, सचिव और कई अधिकारियों को गांव में ट्यूबवेल या हैंडपंप लगाने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई आज तक किसी ने नहीं की, लिहाजा ग्रामीण गंदा पानी पी रहे हैं। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों को आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे यह किसी नदी का घाट है और इसमें महिलाएं पानी भर रही हैं। ग्राम पंचायत दाऊद बासोदा का एक गांव आदिवासियों की बसाहट वंदा बांध के कई सालों से रुके हुए पानी को पिछले 4 साल से पी रहे हैं। गंदा मटमैला काई वाला पानी मजबूरी में पी रहे हैं। वहीं मालू टपरा के नागरिक एक निजी कुआं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में सिर्फ एक हैंडपंप है, वह भी बंद पड़ा है। 181 पर शिकायत दर्ज करने के बाद सुनवाई तो हुई, सिर्फ 2 दिन चालू हो सका हैंडपंप। ग्रामीण बताते हैं कि इसी पानी में जानवर डूबे रहते हैं और शौच के लिए भी कई ग्रामीण वहां पहुंच जाते हैं और वही पानी पीने से उन्हें खांसी, सर्दी, जुकाम, शरीर में लाल छिकते, उल्टी दस्त और खुजली जैसे लक्षण हमेशा दिखाई देते हैं। बड़े से लेकर बच्चे यही पानी पी रहे हैं। मलूद गांव के ग्रामीण बताते हैं कि सरपंच जगपाल सिंह भदौरिया ने बस्ती में एक और हैंडपंप अति शीघ्र लगाने का आश्वासन दिया, वहीं एक बोर में मोटर डालने का बोला गया है। वहीं दाऊद बासोदा के सरपंच भैया राम ने बताया है कि वह पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था हो सके। इसके लिए वह कई बार जनपद कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं, पीएचई विभाग को भी अवगत करा चुके हैं, विधायक जी को भी अवगत करा चुके हैं। वह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर पानी की व्यवस्था हो जाए। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में विधायक आते ही नहीं है, बल्कि गांव के लोग अपना वोट भी डालते हैं, लेकिन इन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। गर्मी के दिनों में इनके प्यासे कंठे गंदे पानी से प्यास बुझा रहे हैं और सरकारों के बड़े बड़े वादे खोखले साबित हो रहे हैं। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। गाँव के नहीं, पूरे आदिवासी 4 साल से आया बंदा का पानी पी रहा है। हमें आदिवासी जी है यादव जी, तो गांव में रह रहे हैं, उनके पास पानी, हमारा गांव है, भामी गए थे मगर जहाँ मच के आ गए, हम 4 साल हो गए थे। तो जो ही बंदा का पानी पी रहा है, इधर न नल है न बोर है, कुछ नहीं है। तो ऐसे भाई साहब अब आज संक्रांत पे भी आए थे, वे भी बोल गए थे अपन सही बात कराई थी, लग जाएगा आपके पास सब व्यवस्था हो जाएगी, तब कोई व्यवस्था नहीं है। बुखार ही बहुत को चल रहा है, कई बीमारियां, हाँ बीमारी भी हो रही है, हल्के बाड़ी बीमारी वहाँ जरूर बड्डे बड्डे सहन कर जाते हैं, हल्के नहीं कर पाते हैं। यहाँ से आपको तो खुजाल चलती है ना, सीट फूट जाता है आग में। हाँ आपने सरपंच भी कह रहे थे कि आप लग जाएगा नल, सचिव भी बोल रहे थे कि आपकी व्यवस्था हो जाएगी जब तक घर बन जाएंगे, और जो अधिकारी भी आता कोई भी आए, अपन तो सरपंच क्या, अपन न देखो तहसील देगी, न विदिशा देखो न बासोदा देखा। आपके जो विधानसभा कार्रवाई लगती है, कार्रवाई विधायक कभी नहीं, कभी नहीं आता, वोट मांगने तक हमने सकल भी नहीं देखी कि है कहाँ के कितना के है। वोट तब न क्या था कहीं में ठोक दो आदिवासी है, जहाँ कह दोगे आप भाई मोहित हो जाएगा, भाई ठोक देंगे। तो विधायक कभी नहीं आते, कभी नहीं आता, हमने सकले नहीं देखी कौन विधायक, योजनाओं का लाभ नहीं, जो लाभ तो मिल रहा, देखो सरकारी पैसा आ रहा है, ये कुटी के वाला कुटी भी आ गई है, आप जाने कह रहे गलत बोल रहे हैं, कुटी भी आ गई है, आप बना भी रहे हैं और पैसा मिल रहा है,
पानी गंदा मिल रहा है, कंट्रोल भी मिल रही है, पूरी समस्या है सर। हमारे गांव में तो यहां पर एक ही हैंड पंप है हमारे गांव में, यहां एक कुआ है उसमें भी गंदा पानी रहता है, उसमें इतना गंदा पानी रहता है हम पी नहीं पाते उसको। और एक नल था उस सुधार के चले गए लेकिन उनमें से पानी नहीं निकलता। जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायत की है कि नहीं की? सर नहीं करते, हमारे गाँव वाले ऐसे ही है। सुनाई नहीं करते ये लोग। अच्छा आप कितने दूर से पानी भरने आती हैं कुआ पे? बहुत दूर से आते हैं हम पानी भरने। क्या गांव में सिर्फ एक ही हैंड पंप है? हाँ हमारे गांव में एक ही है। कब से बंद है? 5-6 महीना हो जाते हैं सर। तो सुधरा ही नहीं है? नहीं। अच्छा, वो जो कुआ का गंदा पानी है इसको पीने में मजबूर नहीं है आप? हम बहुत ही मजबूर है इसे पीने में। हाँ, बीमारी वगैरह? बीमारी जुकाम खांसी सर्दी सब होती है। अच्छा, इसका आपने शिकायत की कहीं? सर पता नहीं, हम कहाँ जाएं? नहीं, घर वालों ने, परिवार जनों ने करी थी सर। हाँ, सरपंच को बताया इस विषय में? बताया था। हाँ, फिर कुछ सुनवाई नहीं है। ग्राम पंचायत सत्तागढ़ी जाजौन, वो गांव है सुजा मालूद हमारा गांव में। तुम ये मान लो पानी से कम लगभग 3 महीने से पीड़ित लोग सब परेशान हो रहे हैं। और एक ही हेडपम्प है वो भी ठीक ठाक से चालू नहीं है, वो कभी हो जाता है तो एक आधो ही रोज चलता, बाकी इसके बाद में बंद पड़ा रहता है। ये कुएं का पानी सुबह शाम इतनी भीड़ होती है सर, आप यहाँ पे आके देख नहीं सकते हो क्या पूरा गंदा ही गंदा पानी जा रहा है। बच्चे लोग ना सब पूरे लोग मुझे मान लो परेशान है, पूरी तरह से हैरान परेशान चल रहा है सर। और पानी की शिकायत करते तो कोई सुनवाई भी नहीं होती है, आते हैं तो कभी कभार देख लाग के सर निकल जाते हैं। अधिकार या जनप्रतिनिधि शिकायत की है? जी हम तो सर यहीं अपनी पंचायत में शिकायत कर सकते हैं, सरपंच साहब से बस, और कोई शिकायत करते नहीं है। तो अधिकारी शिकायत नहीं की? 181 नहीं लगाया? आया भी नहीं, 181 पे दर्ज किया होगा किसी ने, तो फिर वो आया थे दो दिन चला था वो नल बस, बाकी जो का तो बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद कोई शिकायत नहीं की? कोई शिकायत भी नहीं सर। तो शिकायत करना चाहिए ना 181 पर। शिकायत कर सके लेकिन सुनते नहीं है। नहीं तो आप करिएगा, उसको बार बार करिएगा, क्यों नहीं सुनते? अब आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तो कम से कम 2 महीने हैं पानी के लिए, जल संकट में आप क्या करोगे? यदि सरकार प्रशासन और शासन नहीं सुनता तो क्या करोगे? यही पानी पी रहे हैं साहब, अब क्या है, तुम करवाओ सब व्यवस्था। और कहा है साहब, हम ब्रजेंद्र फिर आए, एक बीर नहीं 4 बार फिर आए कि दे दें नल नैया पाइप नैया, ठीक है पानी को जितने जल्दी हो तो समाधान किया जाए कि इतने संकट में है आदिवासी बाबल में आता अपना आदिवासी बाबल ग्राम पंचायत दाऊद बाबा जनपद पंचायत गंजवास होता। अब इनकी समस्या का हल कैसे होगा? जितने जल्दी अगर कोई भी मान लो PHC से मिल जाए, हमारी निधि से मिल जाए, जितने जल्दी हो जो उतने जल्दी प्रयास करेंगे, हम भी करेंगे, जनपद पंचायत भी करे, PHC बारे करें। हमने PHC में लिखित में आवेदन दिया और उनने आवेदन पे विचार किया, CO साहब जनपद में भी मैंने बताया, तो उनने एक मोटर भिजवाई कि कहीं भी ये डाल दो, एक उसमें गड्ढा में डाली थी उसमें नहीं चल पाई, फिर अभी मोटर रखी है। दूसरा उनने पॉइंट मंजूर कर दिया, एक दो दिन में वहाँ पे पॉइंट लगेगा। पाला में वही तालाब है, वही हम पानी पी रहा है, ढोर पी रहा है, बछेरी पी रहा है, वही हम पी रहा है पानी। पानी को साधन नहीं है हमें बिल्कुल, पानी खराब हो रहा है, वही पानी हम छाट का पी रहा है, हमें पानी की व्यवस्था होना चाहिए। तो किसी से कहा नहीं आपने? सरपंच से लेके सचिव तक कोई आए नहीं क्या? सरपंच ने कही थी, सरपंच के लगे नल लग जाए, कही अम्मा नल लग जाए, अब इन्हों नल नहीं लगो, हम परेशान हो रहा है पानी को, तला को पानी पी रहे हम, वही में मच्छी है डरी है, वही पानी हम पी रहे, मोड़ा मोड़ी तबियत खराब हो रही, हमारी खुद तबियत सबकी खराब हो रही साहब, वही पानी पी रहे है, अब बता पानी की व्यवस्था नहीं है हमें, पानी की व्यवस्था करो साहब, बड़ा मोड़ा मोड़ी हो रहा है, नहीं आए कोई, नहीं आए विधायक में, विधायक कोई नहीं आए, विधायक नहीं आते विधानसभा क्षेत्र में, नहीं आए कोई, नहीं आए विधायक कभी। कौन सा गांव है? जो दाऊद बासदो है। आपका क्या नाम है? प्रेम भाई। आदिवासी हैं सभी लोग? सब आदिवासी हैं।